रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के रोहाल की दयालपुर गांव में एक शिक्षक के घर गुरुवार को देर रात हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने आरोपी दीपक सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने उसके पास से 2 अवैध तमंचे और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। अब पुलिस उसके साथियों की तलाश कर रही है। दरअसल भगवानपुर के रोहाल की दयालपुर गांव में गुरुवार की देर रात दीपक सैनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक शिक्षक के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। गनीमत रही थी कि परिवार के किसी अन्य सदस्य को गोली नहीं लगी थी। फायरिंग की घटना के बाद से ही परिवार दहशत में था। अगले दिन परिवार ने भगवानपुर पुलिस से फायरिंग की शिकायत की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। अब उसे 7 IPC के 2 अभियोगों 365 और 336 IPC के अभियोगों में वांछित अभियोग दीपक सैनी पुत्र स्वराज सैनी निवासी प्रेमराजपुर भगवानपुर को भगवानपुर थाने की पुलिस टीम के द्वारा कुरुक्षेत्र हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्त की निशानदेही पर 2 तमंचे 1 .315 बोर और 1 .12 बोर व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उससे पूछताछ में उसके अन्य साथी अभियुक्तों विशाल परवेज और रवि उर्फ काका के बारे में जानकारी मिली है और उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास निरंतर जारी है। वर्तमान में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई प्रचलित है। अब तक इसके ऊपर 0.5 दर्जन से अधिक मामले पंजीकृत हैं। भविष्य में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी अमल में आई जाएगी। इसके द्वारा विगत दिनों एक अपने प्रतिद्वंदी के घर पर इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की गई थी उसे डराने के लिए, ताकि वो उसके विरुद्ध दर्ज मुकदमों से अपना नाम वापस ले ले। इसी संबंध में ये गिरफ्तारी हेतु प्रयास निरंतर जारी थे, जो अब सफलता मिली है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी।